यूपीएससी मेन सिलेबस जीएस पेपर 2. नाउ दिस पेपर इज ऑल अबाउट पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस. तो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आपको उसके सिलेबस में क्या है इसको थोड़ा सा डिटेल में जानना बहुत जरूरी है. सो इन दिस वीडियो वी विल डिकोड द एंटायर सिलेबस एंड यू विल कम टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज देयर इन जीएस पेपर 2. तो जिसकी वजह से आपको इस पेपर को सिस्टमैटिकली प्रिपेयर करने में बहुत आसानी होगी. हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल ताजनेकर, योर ओन यूपीएससी मेंटर एंड कोच, डायरेक्टर राहुल सर, साइंस एकेडमी नागपुर. तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हमारा एक आंसर राइटिंग सेशन होता है विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, विच इज हेल्ड ऑन वीकेंड्स. तो उसके लिए आपको हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उसमें आपको नोटिफाई किया जाएगा कि वो आंसर राइटिंग सेशंस कब होते हैं. दिस सेशंस आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सो फील फ्री टू ज्वाइन इट. तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं. तो इसमें आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि इसकी साउंड क्वालिटी थोड़ी सी अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि ये क्लासरूम सेटिंग में रिकॉर्ड किया गया था, और अपने क्लासरूम में जो हम ओरिएंटेशन देते हैं तो वो उसी का रिकॉर्डिंग है. बट ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए, भले ही वो वीडियो आपको थोड़ी सी लंबी लगे, लेकिन आपको इस पेपर में एग्जैक्टली क्या है और उसको कैसे कैसे करना है वो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. तो नाउ वी कम टू पेपर 2. तो पेपर 2 में जो मेजर पार्ट है, देखो ये जो इसका मेजर सेक्शन है ना, ये यहां से लेके यहां तक, डेवलपमेंट प्रोसेस में. जी इतना, ये पेपर 2 का इतना पार्ट है. दिस इज नथिंग बट पॉलिटी, ठीक है. अब उन्होंने उसको अलग अलग पॉइंट्स में लिख के रखा है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर. तो इसी में तो आधी पॉलिटी आ गई फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है. देन फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, ओके. डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसिस टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर इन. तो ये तुम्हारे लोकल बॉडी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन उससे रिलेटेड पॉइंट्स, और फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में अलग से दिया. लेकिन जब मैं तुमको क्या बता रहा हूँ, ये सब कुछ जो है ये पॉलिटी है, एवरीथिंग. तो और एक और चीज मैं तुमको बता रहा हूँ, उसकी जो ट्रिक्स एंड ट्रिक्स ऑन द ट्रेड होती है. देखो ये एग्जाम तुमको कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का स्कॉलर बनने के लिए नहीं है. वो न वो चेक कर रहे उस चीज को, न ही तुमको वो बनना है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी रटी नहीं होगी पूरी की पूरी, तो तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे क्या? विच इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, तुमसे थोड़ी ना उम्मीद करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन तुमको एक एक चीज उसकी रटी होनी चाहिए. यू शुड हैव सम ओवरव्यू. वही तो हम तुमको बताएंगे कि तुमको कैसे करना. ओके, दैट इज द रोल ऑफ अ मेंटर और अ कोचिंग क्लास, कि यू शुड स्टडी द राइट थिंग्स. योर एम इज टू क्लियर द एग्जाम, ऑलराइट. तो अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसमें कुछ तुमको बेसिक चीजें जो है उन्हीं के बारे में पढ़ना है, और कुछ उस जो करंट में चीजें चल रही होती है जो पॉलिटी से रिलेटेड है वो. तो मैं तुमको ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड में ये बता रहा था कि प्रीलिम्स में हर साल 100 में से आपको कभी कभी तो 22 भी आ चुके. 2017 में 22 क्वेश्चन आए थे अकेले पॉलिटी, ठीक है. और हमेशा हर साल 15 से 20 के रेंज में तो रहते ही है, ठीक है. तो अगर हम 18 क्वेश्चंस भी पकड़ लें, सब इसका एवरेज हम 18 क्वेश्चंस पकड़ लेते, तो चलो 18 नहीं तो 16 पकड़ लेते हैं. तो 16 × 2 कितने हो गए? 32 मार्क्स. तो ये जो तुम्हारे 32 मार्क्स है ये पूरे तुम्हारे जेब में हो सकते. पॉलिटी इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ यूपीएससी एग्जाम, मोस्ट स्कोरिंग पार्ट. तो इसको तो बहुत ही अच्छे से करना, समझ गए. और हम उसको यहाँ पे करवाएंगे, क्योंकि इसमें अगर तुमने एज ले लिया तो फिर बचा कितना. अरे देखो, जनरल की कट ऑफ पिछले साल 74 थी, ठीक है. बाकी कैटेगरीज की और कम है ना, थोड़ी थोड़ी कम रहती है.
अब 30+ मार्क्स तुम्हारे एक ही सेक्शन में आ रहे, तो बचा क्या बाकी मार्क्स लाने के लिए, लेकिन सो इट बिकम वेरी इजी टू क्लियर प्रीलिम्स। सो क्वालिटी यू मस्ट डू वेरी वेरी सीरियस, भले और कुछ करो या मत करो, लेकिन क्वालिटी को बहुत अच्छे से करो। हम उसको यहाँ पे करेंगे भी विद ऑल द एमसीक्यूज, आंसर राइटिंग, और फिर मेंस में भी, ये तो मेंस का ही सिलेबस है, मेंस में भी पेपर टू में मतलब 1/3 सिलेबस जो पार्ट लिखा हुआ है वो तो क्वालिटी ही लिखा हुआ है, तो मेंस में भी इस पे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट, फिर ये गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो दिस इज अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो अब देखा जाए तो ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन है, तो ये इकोनॉमी में भी आता है, तुम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि ये इकोनॉमी में वैसे भी हम करेंगे, यानी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बेसिकली होती काहे के लिए, ज्यादातर होती है, इंडिया इज अ पुअर कंट्री, सो पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स होती है, वेलफेयर स्कीम्स होती है, विमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड स्कीम्स होती है, हेल्थ रिलेटेड होती है, तो उनकी क्या कौन कौन सी फिर लेटेस्ट पॉलिसीज नई नई आई है, तो करंट अफेयर्स के भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो कौन सी नई पॉलिसीज आई है, उनको तुमको कैसे करना है, यानी उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसमें चैलेंजेस क्या है। इंडिया में, पूरे इंडिया में सारी पॉलिसीज रन होने का सबसे बड़ा एक ही बेसिक चैलेंज है, वो क्या है, क्या है सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडिया में? नहीं, पॉपुलेशन तो एसेट हो सकता है, देखा जाए तो वो लायबिलिटी नहीं है। तुमने पॉपुलेशन बोला ना, पॉपुलेशन तुम सोचो, इंडिया का की पूरी पॉपुलेशन अमेरिकन वे ऑफ लाइफ जी रही है, सपोज एन एवरेज इंडियन इज लिविंग अ लाइफ ऑफ एन एवरेज अमेरिकन, यानी क्या समृद्ध एजुकेटेड है। तुम सोचो ना, इंडिया कहाँ कहाँ रहेगा, इंडिया का जीडीपी में ट्रिलियंस में होगा, और एवरी पर्सन, इमेजिन एवरी वन अराउंड यू इज एजुकेटेड प्रोफेशनल, द इंडस्ट्रीज आर हाईटेक, एवरी वन इज एम्प्लॉयड। ओके, सो अमेरिकन इकोनॉमी की जीडीपी राइट नाउ है 30-35 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास, तो इंडिया की पॉपुलेशन से 5 गुना है, तो अगर हर इंडियन एक अमेरिकन की लाइफ जी रहा है तो 5 गुना पर 15, 150 ट्रिलियन डॉलर है। अभी इंडिया की इकोनॉमी की वैल्यू कितनी है, 3 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन। जो एप्पल है ना, एप्पल जो है कंपनी मोबाइल वाली, उसकी अकेले का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 2 ट्रिलियन डॉलर से, अकेले एप्पल का, एक कंपनी का अमेरिका 2 ट्रिलियन डॉलर्स। ये जो इलोन मस्क की कंपनी, वो भी 2 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच रही है। तो ऐसे तो वहां पे कंपनीज है जितना इंडिया का जीडीपी है, तो इसलिए पॉपुलेशन यू कैन इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन इज अ लायबिलिटी यू कैन से, बट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रिसोर्स, इनटू एन एसेट, एंड दैट इज व्हाई ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ इज कॉल्ड अ रिसोर्स। किसी भी कंट्री के पास 3 रिसोर्सेज होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 3 रिसोर्सेज होते हैं किसी भी कंट्री के पास, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका हो, या कोई अफ्रीकन कंट्री हो, पुअर कंट्री कोई भी हो, कौन से? नहीं, लैंड रिसोर्स नहीं, लैंड क्या बोलते हैं, वो साउथ अरेबिया डेजर्ट है, तो वो कहाँ से रिसोर्स है, कितना भी बड़ा एरिया है तुम्हारे कंट्रोल। अब रशिया का वो जो मिडल पार्ट है ना, वो साइबेरिया है, वहां -50 के टेम्परेचर रहता है, किस काम का? लैंड, हाँ, नेचुरल रिसोर्सेस, कौन से? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एको नहीं, इकोनॉमिक रिसोर्सेस बहुत ब्रॉड टर्म हो गया, नेचुरल रिसोर्सेस इज ओके। ओके, देन लेबर बोलने से अच्छा बोलो ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ इज अ रिसोर्स। ओके, और फिर एक और क्या है, कैपिटल, किस कंट्री के पास पैसा कितना है, ये 3 ही रिसोर्सेज होते हैं हर कंट्री के पास। ठीक है, तो किसी कंट्री के पास बहुत अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन वहां का ह्यूमन रिसोर्स पुअर है, दैट मीन्स द पॉपुलेशन इज अनएजुकेटेड, इलिटरेट, अनअवेयर, यहाँ पे उनके पास कोई इंजीनियर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं, तो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कहाँ से करोगे, उसका यूज कैसे करोगे? ओके, तो ह्यूमन ह्यूमन बीइंग्स इटसेल्फ इज अ रिसोर्स, इसीलिए तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप मिनिस्ट्री है, यूनियन गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट्स में,
और एचआर एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है किसी भी कॉर्पोरेट में, होता है कि नहीं होता? किसी भी बड़ी कंपनी में एचआर का एक पूरा अलग ही डिपार्टमेंट होता है, जैसे मार्केटिंग होता है, सेल्स होता है, ऑपरेशंस होता है। एचआर इटसेल्फ इज अ डिपार्ट बिकॉज ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ इज अ रिसोर्स। अ कंपनी इज हायरिंग पीपल सो इट हैज टू बी अ रिसोर्स फॉर देम ना, इट इज अ रिसोर्स। तो उनकी भी ट्रेनिंग करना, उनको और डेवलप करना, ताकि द एम इज टू डेवलप द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कंट्री के बेस पे तुम उसको कैसे इमेजिन करो, ह्यूमन बीइंग सारे एम्पावर्ड हो गए तो कंट्री का की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना। सो ह्यूमन बीइंग्स आर एन एसेट, हैव टू बी एन एसेट। तो प्रॉब्लम क्या है फिर सारी पॉलिसीज के साथ, जो मैंने पूछा वो अपना बेसिक क्वेश्चन, वो क्या है? प्रॉब्लम इज करप्शन, समझ गए? अभी अगर इंडिया ने कुछ नहीं किया होता सिंस इंडिपेंडेंस, कुछ भी नहीं किया होता, सिर्फ ये जितनी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, पॉलिसीज है, ये एज इट इज ईमानदारी से चला दी होती, तो अभी 25-25 साल पहले इंडिया डेवलप कंट्री बन चुका हो। सारी स्कीम्स अगर अब तक ईमानदारी से चली होती। राजीव गांधी ने तो एक आईएएस ऑफिसर, जैसे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं ना आईएएस, उनका एक डिनर या लंच रहता है प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो वेरी वॉज इन 1988 बैच वगैरह के जो आईएएस ऑफिसर्स थे, उनको जब राजीव गांधी वाज एड्रेसिंग देम, ही टोल्ड देम कि क्योंकि स्कीम्स तो इन्हीं को चलानी है, व्हेन देयर विल बी कलेक्टर्स वगैरह, तो ही टोल्ड देम दैट वेन एवर आई सैंक्शन 1 रुपी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली 18 पैसे रीचेस टू द बेनिफिशियरीज, ओनली 18 पैसे। मैंने बीच के पैसे कहाँ गए थे? खाली सब, समझ गए? तुमने 100 करोड़ सैंक्शन किए तो 18 करोड़ मिलते हैं बेनिफिशियरीज को, जिनकी मतलब जो टारगेटेड ग्रुप है तुम्हारा, बाकी के पैसे गए। तो ये प्रॉब्लम है ना, अब तक जितने पैसे सैंक्शन हुए थे वो सारे के सारे ईमानदारी से अगर बेनिफिशियरीज तक पहुंच जाते तो अपने क्या होता, हेल्थ सर्विसेज अच्छी क्रिएट होती, अच्छा एजुकेशन सिस्टम क्रिएट होता, एक ह्यूमन रिसोर्स अच्छा क्रिएट होता, और घूम फिर के इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया होता इकोनॉमी के लिए। अभी क्या कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर में पड़ी हुई है इंडिया की पॉपुलेशन 56% एग्रीकल्चर में, और वो भी डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट मतलब डिस्गाइज मतलब जो नहीं है वो दिख रहा है, वही हुआ ना डिस्गाइज। तो लोग भले ही एम्प्लॉयड दिख रहे हैं लेकिन वो एम्प्लॉयड है नहीं, क्योंकि मान लो एक खेत है जिसपे 3-4 लोगों का काम है, वहां 10 लोग काम कर रहे हैं, तो दिख तो रहे 10 लोग काम करते हुए लेकिन वो एक्चुअली एम्प्लॉयड नहीं है, वहां उनकी जरूरत ही नहीं है। ओके, सो दिस इज डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। तो ये है इंडिया की सिचुएशन, यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में मेजर पॉपुलेशन पड़ी हुई है, एंड दिस इज इटसेल्फ अ बैड इंडिकेटर। फिर तुम कितने ही विश्व गुरु हो, कौन से गुरु की बात कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। ओके, नाउ डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशन एंड अदर्स। तो ये देखो, ये जो कैसा रहता है ना, स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन किसको बोलते हैं? अच्छा पहले हम उसकी बाद में बात करें, पहले इस टॉपिक के बारे में देखते हैं। ये कुछ नहीं, ये छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, ये एक एक दिन में हो जाते हैं, ठीक है? देन वेलफेयर स्कीम्स ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट्स, ये प्रॉपर वेलफेयर स्कीम्स जो है, अलग अलग जो स्कीम्स रहती है उनके बारे में, सब स्टेट गवर्नमेंट्स की अपनी भी रहती है और सेंट्रल की भी रहती है, ठीक है? देन इनके मैकेनिज्म्स, लॉज, इंस्टीट्यूशंस, बॉडीज, ये सारी चीजें। नाउ इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ एजुकेशन रिसोर्स, ये देन ह्यूमन इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर। तो ये क्या, अब ये अलग से टॉपिक इसमें उन्होंने दिया, लेकिन दिस विल बी कवर्ड एनीवेज इन इकोनॉमी, पॉवर्टी इज अ चैप्टर ऑफ इकोनॉमी। ओके, अब जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी होता है, ऐसे ढेर सारे जो इंडाइसेस रहते हैं उसमें एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी है। इंडिया की रैंक उसमें पता है पाकिस्तान और बांग्लादेश से नीचे है, और ऐसे हम बनेंगे विश्व गुरु। हंगर इंडेक्स मतलब यहाँ कितने लोग हंगरी है तुम्हारे कंट्री में, यानी तुम सबके घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन होगा, एसी होगा, वो तो बहुत दूर की बात है, यहाँ खाने के लाले पड़े हुए। बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन जो रहता है कैसा रहता है? देखो पॉवर्टी मतलब क्या, गरीबी। तो गरीबी तुम डिफाइन कैसे करो? अंबानी के कंपैरिजन में मैं भी गरीब हूँ, नहीं हूँ क्या? लेकिन एक देश,
वेर विल यू कैसे डिफाइन करें, वेर विल यू ड्रॉ द फाइन लाइन? तो वो हर कंट्री अपने अपने हिसाब से करती है, ठीक है, कि इस पर और अपने अपने क्राइटेरियाज लगाती है गरीबी डिफाइन करने की। तो जो उस क्राइटेरिया के नीचे बैठते वो बिलो पावर्टी लाइन, जो उसके ऊपर है वो अबव पावर्टी लाइन, और वो जो लाइन है दैट विल बी कॉल्ड गरीबी की रेखा, बिलो पावर्टी लाइन। वो पावर्टी लाइन जिसको बोलेंगे, गरीबी की रेखा। तो ये गरीबी की रेखा कैसे डिफाइन होती है, तो हर कंट्री अपने अपने हिसाब से करता है। इंडिया ने जो क्राइटेरिया उसके लिए यूज किया उसको इनकम का नहीं है कि कौन कितना कमाता है, वो क्राइटेरिया नहीं रखा इंडिया में, क्योंकि यहाँ कमाने वाले इंडिया में कम लोग है ना, एक तो बेरोजगारी है, प्लस यहाँ पे जो विमेन पॉपुलेशन है मोस्ट ऑफ इट इज अनएम्प्लॉयड, जनरली विमेन इवन एजुकेटेड आफ्टर गेटिंग एजुकेटेड ऑल्सो एंड अप एज हाउसवाइफ्स, कितनी सारी रहती है, और वो भी प्रोफेशनल होती है। अभी इनका तो पता नहीं, लेकिन मेरा कजन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का पास आउट है नागपुर का। अच्छा, वो बता रहा था उनके बैच, उनका एक 200 का बैच था डॉक्टर्स का, वो जो था 200, उसमें 120 लड़कियां थी डॉक्टर्स, ठीक है, सिर्फ 80 बॉयज वर देयर, 120 गर्ल्स। तो उसमें से आधी लड़कियों ने प्रोफेशन का अपना छोड़ दिया, दे आर जस्ट एंजॉयिंग एज हाउसवाइफ्स। अभी तो इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज है, जीएमसी में एडमिशन देखा है, इट इज वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस, वहाँ एडमिशन ही नहीं मिलता वहां पे, इतने अच्छे कॉलेज से एमबीबीएस करके, वो सब कुछ नहीं, घर में बच्चे संभाल रहे, इनका होमवर्क करना, वो सब नॉर्मल हाउस वाइफ की तरह जी रही, आधी लड़कियां उसमें से। और फिर कुछ बच्चे थोड़े बड़े हो जाए, जिनके हो जाते हैं थोड़े बच्चे बड़े, जो खुद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर वो कोई छोटा मोटा क्लिनिक अपने घर के नीचे दुकान लेके खोल लिया टाइम पास, 2-3 घंटे बैठ गए, पेशेंट आ गए, थोड़ा वो लिख के दे दिया, हो गया, उसमें भी कमाई होती है बस। तो एक तो इंडिया में डॉक्टर्स की कमी है, ऊपर से डॉक्टर्स ये प्रोफेशन छोड़ रहे हैं, ये कितनी गलत बात। तो इसीलिए एक्चुअली इंडिया में इनकम का क्राइटेरिया रखना गलत होगा गरीबी डिफाइन करने के, बिकॉज ऑलमोस्ट हाफ द पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट अनएम्प्लॉयड। तो अब गरीबी की रेखा फिर कैसे डिफाइन किए, कैलोरी इंटेक पे, तुम कितना खाना खाते हो, मैंने कितना भोजन कंज्यूम करते हो उस पे। लेकिन फिर खाना भी कैसे, मतलब कि उसको क्वांटिफाई कैसे करेंगे खाने को, तो उसको हम सीधा कैलोरीज, कितनी कैलोरीज मिली, तो अर्बन एरियाज में दैट इज 2200 कैलोरीज, रूरल एरियाज में 2400 कैलोरीज पर डे, ठीक है, इस इतना कंज्यूम जो करते हैं तो वो अबव, इसके ऊपर जो कंज्यूम करते हैं वो अबव पावर्टी लाइन रहेंगे, जो इसके नीचे करेंगे वो बिलो पावर्टी लाइन रहेंगे। तो फिर अब 2400 कैलोरीज यानी कितना होता है, ऐसा तुमको एक आइडिया होना चाहिए ना कि कितना खाना खाने पे इतना होता है, या 2200। तो अर्बन रूरल में थोड़ा ज्यादा इसलिए रखा है क्योंकि रूरल रूरल एरिया में फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, वहां लोग ज्यादा पैदल चलते हैं। वैसे अब तो गाँव गाँव में भी स्कूटर और ये टू व्हीलर आ गए, कार्स भी आनी शुरू हो गई है महाराष्ट्र जैसे के गांव में वगैरह, तो बाकी कई रिमोट एरियाज के जैसे ओडिशा, बिहार, आसाम, और कई स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी भी बहुत पावर्टी है, तो वहाँ अभी भी फिर पैदल ज्यादा लोग चलते हैं, साइकिल चलाएंगे, है ना, व्हीकल मोटराइज व्हीकल्स कम है, तो इन जनरल, लेकिन गांव के लोग फिजिकल मेहनत ज्यादा करते हैं, तो इसलिए रूरल एरियाज के लिए उन्होंने कैलोरी इनटेक और ज्यादा रखा। तो इतना मतलब कैलोरीज कितना खाना खाने पे मिलती है, तो उसका एक अगर इंडियन फूड के हिसाब से देखें तो इट इज 2 स्क्वायर मील्स अ डे, यानी 2 वक्त का पेट भर खाना, फिर तुम्हारा जो भी हो दाल चावल सब्जी रोटी, या कहीं पे पंजाब नॉर्थ इंडिया में चावल का कल्चर नहीं रहता, वहां तुम दिल्ली जाओगे या पंजाबी वगैरह इनके घरों में चावल महीने में 1-2 बार बनता है, घर 2-3 बार, ठीक है। और फिर साउथ इंडिया में जाओगे तो वहां रोटी का कल्चर नहीं है। तो खैर जो भी है, 2 वक्त का पेट भर खाना इंडियन फूड के हिसाब से, दैट विल मेक अप दैट मच कैलोरीज। तो अब तुम इमेजिन करो हमने कितना नीचे उसका क्राइटेरिया रखा है, पहली बात समझ रहे हो ना, सिर्फ 2 वक्त का पेट भर खाना, कितना नीचे हमने उसका क्राइटेरिया रखा है, और इस क्राइटेरिया में इंडिया की 25% पॉपुलेशन है, बताओ 25% इंडिया की पॉपुलेशन यानी कितनी हो गई, करोड़ों लोग।
करोड़ों लोग। तो अब करोड़ों में पॉपुलेशन ऐसी है यहाँ पे जिनको 2 वक्त का पेट भर खाना नहीं मिल रहा, तो हम क्या ऐसे ही विश्व गुरु बनेंगे? सिर्फ जुमले ऐसे बनेंगे विश्व गुरु? तो ये क्या करते हैं, जैसे ये बीजेपी है, ये तो पूरी झूठ की माहिर है, झूठ की फैक्ट्री है। तो ये क्या बोलते हैं, देखो हमारी जीडीपी थर्ड रैंक पे आ गई। अरे जीडीपी तो आनी है ना थर्ड रैंक पे, जीडीपी की ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है इन सब चीजों से। उसका रीजन ये है कि इंडिया की डोमेस्टिक इकोनॉमी बहुत बड़े स्ट्रांग है। उसका मतलब देखो, इंडिया में पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन है तो कंज्यूम तो करेंगे ही ना, जो भी जिंदा है वो खाएगा, ठीक है, वो कपड़े पहनेगा, वो कहीं रहेगा, वो मोबाइल यूज करेगा, वो ट्रैवल ट्रांसपोर्ट चीजें यूज करेगा, तो उसमें पैसे खर्च करेगा ना, तो इकोनॉमी तो ग्रो होने ही वाली है एज लॉन्ग एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। जीडीपी ग्रोथ इन रिस्पेक्टिव ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी कम्स टू पावर, जीडीपी ग्रोथ इज बाउंड टू हैपन, ठीक है। और दूसरा, इतना कॉर्पोरेट सेक्टर्स है, ये ह्यूज प्रॉफिट्स रजिस्टर करते हैं, गवर्नमेंट की ढेर सारी कंपनीज है वो भी प्रॉफिट रजिस्टर करती है। अब गवर्नमेंट की कितनी कंपनी सब लॉस में थोड़ी ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉस में है क्या? नहीं है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये सब लॉस मेकिंग कंपनीज थोड़ी ना, ये भी प्रॉफिट, तो इनके प्रॉफिट्स रजिस्टर होते रहते हैं, मतलब ग्रोथ दिखाते हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेट ग्रोथ दिखाती है, और दैट इज रिफ्लेक्टेड इन आवर जीडीपी। और इंडिया की डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत है, हर कोई है, किराना खरीदेगा, सब्जी खरीदेगा, खाएगा, तो मतलब इकोनॉमी में तो खर्चा हो ही रहा है, तो जीडीपी तुम्हारी बढ़ती रहेगी। पॉइंट इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि इस ग्रोथ का फायदा किसको हो रहा है, कितने लोगों को हो रहा है। तो ग्रोथ इज नॉट इंक्लूसिव, एंड ग्रोथ अकंपनीड विद सोशल जस्टिस इज डेवलपमेंट, समझ गए? सो देर इज नो सोशल जस्टिस इन इंडिया, ओनली ग्रोथ, उसका कोई फायदा नहीं। तो अंबानी विल कीप ऑन गेटिंग रिच, है ना, उनका उनका क्वार्टरली प्रॉफिट वो जो रहता है इतना 20,000 करोड़, सोचो क्वार्टरली, जी क्वार्टरली है, एनुअल उसके इंटू 4, और ये ग्रोथ की तरफ यानी हर साल बढ़ता है, तो इतना पैसा कुछ लोगों को मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, बाकी लोगों को यहाँ खाने के लाले पड़े हुए। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे कंट्री से नीचे है। अभी जो लेटेस्ट सर्वे आया है 130s में कुछ तो भी है, तो क्या फायदा होगा? तो ये जो ये सारी स्कीम्स है, ये इनका क्या प्रॉब्लम, ये मेन इनकी यही प्रॉब्लम है, एक तो करप्शन सबसे, और दूसरा एपैथी, पॉलिटिकल एपैथी, मैंने ब्यूरोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल एपैथी, नो वन इज केयर्ड और बॉदर्ड। देखो अभी इंडियन डेमोक्रेसी इस लेवल पे आ गई है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर नथिंग बट इलेक्शन विनिंग मशीन्स ना, दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट, देर ओनली कंसर्न इज टू कम टू पावर, दैट्स इट, बाय एनी मीन्स, फिर वो दंगे करा के क्यों ना हो, हिंदू मुस्लिम करा के क्यों ना हो, कुछ भी करा के पावर में आना बस, और एंजॉय कर। तो ये वो अभी वो ऐसी नहीं रही, जैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जब हुआ था, नेहरू जी की पहली कैबिनेट बनी थी, वो एक सारे के सारे लीडर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, एवरीवन वाज कंसर्न्ड अबाउट द कंट्री। प्रॉब्लम कैसा है ना इंडिया के साथ, जब अच्छे लीडर्स थे तब इंडिया के पास पैसे नहीं थे, अब पैसे ठीक ठाक है तो लीडर्स बेकार है, ऐसा प्रॉब्लम। ओके, देन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस मॉडल सक्सेस, ये सारे ये छोटे छोटे पॉइंट्स है। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, ठीक है, तो जब भी ये वर्ड सिविल सर्विस आता है तो इसका मतलब तुम सिर्फ आईएएस मत सोचना, सिविल, ऑल सर्विसेज आर सिविल। तुम्हें हमने देखा ना, तुम जो एग्जाम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है ना, इसमें कितनी सारी सर्विसेज, तो रेलवे की तो 4 सर्विसेज है, तो वो भी सिविल सर्विस है, इनकम टैक्स सिविल सर्विस है, कस्टम एंड एक्साइज सब सिविल सर्विसेज। तो इनका बेसिकली डेमोक्रेसी में क्या रोल होता है, क्या रोल होता है, क्या रोल होता है? फिर यही नहीं, ये प्रोविंशियल लेवल पे अलग होती है, ये तो हम सेंट्रल की बात कर रहे हैं, प्रोविंशियल सर्विसेज भी होती है, जैसे एमपीएससी, फिर एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, सबके अपने अपने वो भी रहते हैं, वो भी तो सिविल सर्विस है। और सिविल सर्विस में ये मत सोचना सिर्फ ऑफिसर्स आते हैं, इवन अ प्यून वर्किंग इन और सफाई कर्मचारी,
जो गवर्नमेंट पेरोल पे है वो भी सिविल सर्विस का पार्ट है। ऑलराइट, नर्सेस हो, डॉक्टर्स हो, जो भी गवर्नमेंट पेरोल पे है वो सब सिविल सर्विसेज का पार्ट। सो व्हाट इज द रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी? तुम चलो ऐसे ही बताओ, एक लेवल पे आके, एक लेवल की उम्र हो गई, थोड़ा एक एक पॉइंट तो सबको आना ही चाहिए। तो ये सब करते क्या है, क्या रोल होना चाहिए डेमोक्रेसी में? पहली बात तो डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकतंत्र मतलब क्या, प्राचीन। यानी बेसिकली गवर्नमेंट विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल। इट इज अब्राहम लिंकन ने जो बोला था, डेमोक्रेसीज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो क्या है, क्या रोल है? सर्विस देना। ओके हाँ चलो, और क्या इंप्लीमेंट करना, और तुमको क्या लगता? ओके वेरी गुड, और कुछ? फंक्शनिंग व्हाट? डेमोक्रेसी को फंक्शन करने में हेल्प करना। ओके हाँ ठीक है, ऑल दिस पॉइंट्स आर करेक्ट। तो बेसिकली जो सिविल सर्विस होती है ना, वो ब्यूरोक्रेसी भी बोलते हैं उसको, मतलब वो इट इज अ पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी का काम होता है पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराना। तो देश एक्चुअली ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, पॉलिटिशियंस नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो आज है कल नहीं है, वो तो 5 साल के लिए आती है। ठीक है, सत्ता जो रियल सत्ता, तो उसको सत्ता क्यों बोलते हैं? सत्ता इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम जो इंडिया ने ब्रिटिश मॉडल पे अपनाया है, उसमें जो यूनियन कैबिनेट होती है या स्टेट गवर्नमेंट की जो कैबिनेट होती है, स्टेट में इट इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, एट द सेंटर इट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। उसको सारे कंट्री से रिलेटेड सारे टॉप डिसीजन उनको लेने होते हैं। ओके उनको लेने होते, और फिर वो एक बार जब डिसीजन लेते हैं तो वो फिर पूरी कंट्री में रन कर रहा, ये ब्यूरोक्रेसी का काम होगा। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज होती है या इन जनरल भी डेमोक्रेसीज में, इसमें रियल पावर जो मंत्रिमंडल में होते हैं उनके पास होती है, और जो ब्यूरोक्रेसी में होती है उनके पास होती है। ये बाकी के जो एमएलए एमपी बनते हैं इनके पास कोई पावर नहीं है। तुम इमेजिन करो, नितिन गडकरी यहाँ के एमपी है, ठीक है ना, इफ इज नॉट अ मिनिस्टर, वो क्या है, वो व्हाट इज हिज रोल, कौन सी पावर है उसको कुछ करने की? एक नॉर्मल एमपी को, एक नॉर्मल एमपी के पास कोई पावर नहीं होती एक एमएलए के पास, अनलेस ही और शी बिकम्स अ मिनिस्टर। ओके देन उनके पास एक मंत्रालय आएगा, उनकी उनकी कैबिनेट की मीटिंग में एक से होगा, वो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी का पार्ट बनेंगे, तो उनका कोई फायदा है? नॉर्मल एमएलए की कोई ये नहीं है, एमएलए एमपी बनने का कोई फायदा नहीं है अनलेस यू बिकम अ मिनिस्टर, क्योंकि इनके पास कोई पावर्स नहीं है। हाँ थोड़ी बहुत फिर इनको जैसे कैसा रहता है कि तुम्हारी तुम्हारी पार्टी पावर में आ गई, तो भले तुम मंत्री नहीं बने, लेकिन फिर गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और ये सब रहते हैं, उनमें से किसी बोर्ड का, डेयरी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया तुमको, किसी इसका कोऑपरेटिव सोसाइटी का हेड बना दिया, या किसी और, ऐसे कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती ना, उसका चेयरमैन बना दिया। अब जैसे वो जो एक संबित पात्रा आता था ना, इनका करार प्रवक्ता बीजेपी का संबित पात्रा, तो वो आईटीडीसी का चेयरमैन है। आईटीडीसी इज इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, वो तो एमपी भी नहीं है खैर, वो तो इलेक्शन भी हार गया। तो ऐसे मतलब गवर्नमेंट तुमको फिर किसी न किसी, तुम्हारी पार्टी अगर रूलिंग पार्टी है तो उसमें किसी न किसी बोर्ड इस पे फिक्स कर देती है, लेकिन फिर वो कोई बहुत पावरफुल पोजिशंस नहीं होती, ठीक है। रियल पावर मंत्रालय में होती है और ब्यूरोक्रेसी के पास होती है। सो सिविल सर्विस का इसीलिए डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि डेमोक्रेसी विच रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल। ओके जिनको हम चुन रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, हम अपनी विल एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो जो डिसीजन ले रहे हैं इसका मतलब हम ले रहे हैं, हमने चुना है, तो वो जो डिसीजन ले रहे हैं उसको पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट करना सक्सेसफुली, है ना, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, हेल्थ सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी हो, तो उसमें
उसको ठीक से ये करना, ये सिविल सर्विस का रोल यहाँ पे आता है। और सिविल सर्विसेज में मतलब छोटा बड़ा ऐसा नहीं होता, ऑफ कोर्स जो ऑफिसर्स रहेंगे उनके पास ज्यादा पावर्स रहेंगी, लेकिन सिविल सर्विस में हर कर्मचारी इंपॉर्टेंट है। कैन यू थिंक, कैन यू इमेजिन अ हॉस्पिटल रनिंग विदाउट नर्सेस? तो नर्सेज आर एज इम्पोर्टेंट एज डॉक्टर्स, ओके? नाउ कैन यू इवन इमेजिन अ हॉस्पिटल विदाउट विदाउट द स्वीपर्स और क्लीनर्स? कैन यू इमेजिन? कितने भी अच्छे डॉक्टर और नर्सेज और वहाँ हाइजीन ही नहीं रहा तो वो तो इन्फेक्शन का अड्डा बन जाए। वहां से तो लोग ठीक होना दूर, वहां से बीमार हो गया है क्या, ऊपर जाइए किधर? क्यों? तो एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट इन अ सिविल सर्विस, ओके, इन द ब्यूरोक्रेटिक सेटअप। तो ऐसा होगा। देन फिर उसका एक नेक्स्ट जो सेक्शन है, इंडिया एंड इट्स नेबर्स, तो रिलेशन, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस। तो इंडिया का जो नेबरहुड रिलेशंस है, तो ऑफकोर्स वो कैसे है, कैसे लगते हैं तुमको इंडिया के? अच्छा चलो पाकिस्तान के साथ लेते हैं, इंडिया और पाकिस्तान फ्रेंडली है कि हॉस्टाइल है? इंडिया ऑफिशियली क्या बोलेगा, अपने रिलेशन पाकिस्तान के साथ कैसे है, हॉस्टाइल और फ्रेंडली? फ्रेंडली, रिलेशंस आर कॉर्डियल ओनली, हॉस्टाइल दे बिकम ओनली इन द सिचुएशंस ऑफ वॉर, ओके? और फिर ऐसे तो क्या इंडिया पाकिस्तान में ट्रेन चलती है, ट्रेन भी चलती है ना, समझौता एक्सप्रेस है, और तुम जा सकते हो पाकिस्तान। वो लोग आते हैं इंडिया के, टोमेटोज इंडिया में पूरे पाकिस्तान से आते हैं, नॉर्थ इंडिया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब रेगुलर बेसिस पे चलता है, ओके? चाइना के साथ भी, तो इंडिया के जितने नेबर्स है, देर वुड बी इन द रिलेशन देर आर सम इरिटेंट्स, उसको इरिटेंट बोलते हैं। अब इरिटेंट्स तो तुम्हारे हर रिलेशन में रहते हैं ना, तुम्हारे पर्सनल रिलेशन में भी रहते हैं। सपोज दो भाई है, दो बहनें हैं, बहुत प्यार भी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहता है दोनों में। पड़ोसी है, दो अच्छे कॉर्डियल रिलेशन है, लेकिन कुछ ना कुछ इरिटेंट हो सकते हैं। उनके घर का पानी इधर अपने घर में आ रहा है, ठीक है, वो सोते लेट है, जोर जोर से म्यूजिक बजा रहे, तो मतलब कुछ ना कुछ इरिटेंट हो सकते हैं। तो ऐसे इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में कुछ इरिटेंट्स है। पाकिस्तान के केस में टेररिज्म रिलेटेड है, ओके? और चाइना के केस में वो दूसरे है, यानी वो पता नहीं, वो इतना बड़ा कंट्री ऑलरेडी है, उनको क्यों वो इधर इंडिया के कुछ किलोमीटर्स के अंदर कब्जा करके बैठना है? अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा दिया, इधर गलवान वैली में कब्जा करके बैठ गए 2,000 स्क्वायर किलोमीटर का। हाँ, तो ये, और वो भी, वो बंजर जमीन है, रफ टेरेन, वहां कोई रहने लायक जगह नहीं है, उनको क्यों वो अपने कंट्री का पार्ट बनाना, वही समझ में नहीं आता। इतना बड़ा कंट्री ऑलरेडी, देखो ना मैप पे, इतना बड़ा कंट्री ऑलरेडी है, हाँ, फिर भी अपनी बॉर्डर्स क्यों बढ़ा रही है अननेसेसरी? और ऐसा भी नहीं कि वहां कोई बहुत सारा गोल्ड माइन है, कि उनको कोई, तो बंजर जमीन किसी काम की नहीं, किसी के ना, इंडिया के ना उनके, बस कुछ किसी काम की नहीं, क्यों उनको टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना, ये समझ में नहीं आता। बट स्टिल इट इज इरिटेंट। बट अदरवाइज इंडिया का फॉरेन इस चाइना के साथ $200 बिलियन का ट्रेड है, मतलब उससे भी ज्यादा, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन बहुत एक बड़ा ट्रेड रिलेशन है। कितने चाइनीज प्रोडक्ट्स तो हम डे टू डे बेसिस पे यूज करते हैं, ओके? तो ये जो है इंडिया के, फिर नेबर्स बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश के साथ जैसे क्या प्रॉब्लम है, बांग्लादेश के साथ एक दूसरी प्रॉब्लम है कि वो बॉर्डर जो है वो पोरस है, इट इज नॉट कंप्लीटली फेंस्ड। इंडिया पाकिस्तान की भी पूरी बॉर्डर फेंस्ड ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, बांग्लादेश बहुत पॉपुलेटेड है ना, डेंसली पॉपुलेटेड, तो रेफ्यूजीज आते हैं इंडिया, इन्फिल्ट्रेशन बहुत होता है, ओके? तो ये जैसे उसके साथ है। म्यांमार के साथ उधर अलग प्रॉब्लम है, वो नागालैंड और इसमें इंसर्जेंसी मूवमेंट पहले करता था स्पॉन्सर सारे आर्म्स एमिनेशन। नागालैंड तो पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, वो तो बोल रहे थे कि हमको इंडिपेंडेंट कंट्री का स्टेटस चाहिए, वहां पर तो बहुत वायलेंट ये चल रही थी। तो खैर उस इन सब चीजों के भी बारे में हम आगे बात करेंगे एक एक करके। फिर नेपाल के साथ, नेपाल के साथ वैसे इंडिया के रिलेशन में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से नेपाल इज शोइंग इंक्लिनेशन टुवर्ड्स चाइना, सो विच कैन बी अ थ्रेट टू इंडिया, बिकॉज चाइना और इंडिया के बीच में वो बफर है नेपाल,
और वो बहुत माउंटेनस एरिया भी है हिमालयाज की वजह से। तो बट अदरवाइज अगर नेपाल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स चाइना, तो मे बी इन फ्यूचर इट विल अलाउ चाइनीज मिलिट्री इंस्टॉलेशंस इन देयर कंट्री विच विल बी पॉइंटेड टुवर्ड्स इंडिया, है ना। क्योंकि ऑलरेडी इधर बर्मा ने तो उनको दे दिया कोको आइलैंड्स करके, यहाँ पे जगह, वहां पे चाइना ने बहुत बड़ा नेवी बेस बनाया। इवन श्रीलंका को उन्होंने कुछ बिलियन डॉलर, अभी उनका क्राइसिस चल रहा था ना 2-3 साल पहले, तो उनको वहां उन्होंने बहुत बड़ा लोन दिया चाइना को, चाइना ने श्रीलंका को, और उसमें बोला कि हमको तुम्हारे यहाँ पे नेवी बेस का बनाने दो, जिसका इंडिया ने बहुत अपोज किया। क्योंकि अब चाइनीज बैटल शिप दे वुड बी पार्क जस्ट आउटसाइड इंडिया, है ना। तो दीज आर सम ऑफ द इरिटेंट्स, ऐसी बर्मा नेपाल के साथ, भूटान के साथ इंडिया के रिलेशन कॉर्डियल, कोई दिक्कत नहीं। भूटान वैसे भी बड़ा पीसफुल कंट्री है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भी उसकी काफी ऊपर रैंक है, पीपल आर हैप्पी ओवर देयर। सो एट द एंड ऑफ द डे चाहिए क्या, हैप्पीनेस ही तो चाहिए, है ना। मतलब ये सारी चीजें हैप्पीनेस भी देती है। तुम ये अगर सोच रहे हो कि आईएएस बनने के बाद बहुत हैप्पी रहोगे, तो ये मत सोचना। वो एक तुम्हारा एम हो सकता है फॉर अ गुड करियर, बट गुड करियर डू नॉट नेसेसरीली मेक यू हैप्पी। इवन मनी डज नॉट मेक यू हैप्पी। हैप्पी इज अ स्टेट, इट्स अ फीलिंग, इट इज समथिंग इंटरनल, ओके। एंड दैट इट इज अ स्टेट दैट यू हैव टू अटेन थ्रू योर कामनेस, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। उसके लिए जो रास्ता है वो वही है मेडिटेशन। क्योंकि ऐसा कोई स्टडी दुनिया में आज तक नहीं हुआ है जो ये बताता है दैट द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड आर ऑल्सो द हैप्पीएस्ट पीपल। एंड पीपल यूजुअली रिटर्न टू द नॉर्मल लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस आफ्टर सम गुड थिंग्स और इवन वर्स टेरिबल थिंग्स दैट हैड हैपेंड टू देयर लाइव्स, ओके। जैसे समवन, इफ समवन हैज वन जैकपॉट, $1 मिलियन लॉटरी, तो ऐसे कई लोग, ऐसे इस पे स्टडीज हुई है एक्चुअली यूएसए में। तो उन्होंने, जैसे एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने ऐसे लोगों को स्टडी किया जिन लोगों ने जैकपॉट हिट किया, तो उनसे बातें की, तो उनसे जब उनका लेवल ऑफ हैप्पीनेस पूछते हैं कि तुम सो आर यू हैप्पी, तो वो बोलते हैं कि हम 6 महीने बाद ही अपने नॉर्मल लेवल ऑफ हैप्पीनेस पे आ गए थे। ऑफ कोर्स अब तुमको एकदम से करोड़ों रुपए की लॉटरी लगी, तुम खुश तो होंगे, लेकिन वो खुशी तुम कितने दिन सस्टेन करोगे? क्या मरते दम तक फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ वो फीलिंग तुम सस्टेन करोगे? तुम ऐसे ही सोचो ना, तुमने आज कोई नया मोबाइल फोन, सबने कभी ना कभी नया मोबाइल फोन खरीदा हो, ओके, नई कार खरीदी होगी, तो तुम्हारे केस में चलो मोबाइल, तुमने जब भी नया मोबाइल खरीदा, ठीक है, तुमने अपने पसंद का आइटम लिया, सारे फीचर्स तुम्हारे बजट में भी था और तुमने उसको लिया, यू आर हैप्पी नाउ। सो हाउ लॉन्ग विल दिस हैप्पीनेस सस्टेन? कितने दिन? हार्डली 1 डे, 2 डे, और मे बी अ मंथ, ठीक है। तो एज सेम हैपेंस विद मनी। और इवन जो जिनके साथ कुछ बैड चीजें हुई है, सपोज वॉर विक्टिम्स, जिनकी एम्प्यूटीज, जिनके कुछ एक हाथ चला गया, पैर चला गया, और रेप विक्टिम्स, तो ऐसे भी जो लोग हैं, they also, even those the people who have suffered traumas, they eventually return to their normal levels of happiness. Both ways होता है, ठीक है। तो इसीलिए तुमको, मतलब बेसिकली हैप्पीनेस पैसे से और इन सब चीजों से नहीं आता। यू हैव टू फील कंटेंटेड इन व्हाट यू हैव, एंड फॉर दैट यू हैव टू फील ग्रैटिट्यूड। इन फैक्ट यू मस्ट एनीवेज प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एवरी डे, थैंक द यूनिवर्स, और इफ यू बिलीव इन गॉड, योर गॉड, फॉर वॉट एवर यू हैव। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव राइट नाउ इज योर लाइफ, ओके। सो यू मस्ट थैंक यू गॉड फॉर माई लाइफ, दैट आई एम अलाइव टुडे। देन यू मस्ट से थैंक यू गॉड फॉर यूनिवर्स दैट आई हैड गुड ब्रेकफास्ट, आई हैव सच लवली पेरेंट्स, आई हैव सच लवली फ्रेंड्स, ओके, आई हैव सम सच लवली टीचर्स, जो तुमको, जिसको भी थैंक यू, ओके। और थैंक यू बोलने से बेसिकली तुम्हारी, तुमको एक अच्छी फीलिंग आएगी, देख लो, करके देखो ऐसे रोज, ओके। हाँ, देन बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, ठीक है। तो
बायलैटरल रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स जो रहते हैं ये कैसे रहते हैं? बायलैटरल मतलब दो के बीच में, मल्टीलैटरल मतलब बहुत सारी कंट्रीज के बीच में जो भी करार होते हैं, यानी एग्रीमेंट्स, इंडो चाइना टॉक्स कुछ एग्रीमेंट हुआ, इंडिया पाकिस्तान या इंडो रशिया, इंडो, ये इनको बायलैटरल बोलेंगे। फिर कई सारे फोरा होते हैं, फोरा मतलब फोरम का प्लूरल है फोरा, तो जैसे ब्रिक्स हो गया, ओके, ब्राजील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये ग्रुपिंग है। G7 है, G20 है, अभी G20 समिट इंडिया में हुआ था एक बार, तो G20 समिट और ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बायलैटरल मल्टीलैटरल ग्रुपिंग जो होते हैं जिसमें जिनका इंडिया पार्ट है, या कहीं होगा इंडिया पार्ट नहीं भी है, सपोज नेटो। व्हाट इज नेटो? नेटो क्या है? नाम सुना होगा ना, अभी रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे काफी नाम आता था, नाम सुना होगा नेटो। व्हाट इज नेटो? फुल फॉर्म क्या है उसका? इट इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो अब हुआ क्या था, जब वर्ल्ड वॉर टू कंक्लूड हुआ तो इवन जर्मनी एज अ कंट्री वॉज बाइफर्केटेड, इट वॉज डिवाइडेड इन टू, यानी देयर वॉज ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी, एंड दे रीयूनाइटेड इन 1989, यूनिफाइड जर्मनी। तो क्या हुआ था कि ईस्टर्न यूरोपियन जितनी कंट्रीज थी वो रशिया के इन्फ्लुएंस में थी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, तो जिसमें आगे तुम्हारी पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बेलर, इतना बेलारूस नहीं था, और इधर की रोमानिया, रोमानिया और अल्बेनिया, ग्रीस, मतलब इस टाइप की वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो रशिया के इन्फ्लुएंस में थी, एंड दे वर कॉल्ड वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज। वॉर्सो इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड। और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो अमेरिकन इसके अंडर थी, ब्लॉक के अंडर, एंड दे आर कॉल्ड नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो कंट्रीज। ओके, वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज थी, दे आर, वॉर्सो पैक्ट अभी ऑलमोस्ट डाइल्यूट हो गया है बिकॉज सोवियत यूनियन इटसेल्फ हैज डिसइंटीग्रेटेड, और तो लाइक बट नेटो इज स्टिल देयर। इनफैक्ट जो प्यूटिन का मेन कंसर्न ये था कि यूक्रेन वुड बिकम अ पार्ट ऑफ नेटो, तो होगा क्या कि नेटो की जो मिसाइल्स और सारी ये है वो रशिया के बॉर्डर पे प्लांट होगी, तो वो मतलब रशिया की सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, इसीलिए तो उसने अटैक किया ना यूक्रेन पे, दैट ही डिड नॉट, रशिया डिड नॉट वांट यूक्रेन टू बी अ पार्ट ऑफ नेटो। ओके, दैट वाज वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स। तो वो जो भी है, तो वो इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बाद में बात करेंगे। तो ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो जिसका इंडिया पार्ट है, कईयों का इंडिया पार्ट नहीं भी है, तो उनके बारे में तुमको जान देन देन इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, इंडियन डायस्पोरा, तो इन इन सब पॉलिसीज का इंडिया पे क्या इफेक्ट होता है, और नाउ दिस इज इंडियन डायस्पोरा। डायस्पोरा मतलब ये होता है कि इंडियन ओरिजिन के लोग, भले वो इंडिया के सिटीजन है या नहीं, जो बाहर कंट्रीज में रहते, दैट इज अ पार्ट ऑफ डायस्पोरा, उसको इंडियन डायस्पोरा बोलते। तो ऐसे ऐसे मतलब कई लोग है ना बाहर सेटल हो गए, कई जनरेशन से सेटल हो गए, कनाडा वगैरह में तो कई पंजाबी जो सर सिख फैमिलीज थी वो, उनकी तो भी फिफ्थ जनरेशन चल रही है कनाडा में, ब्रिटेन में, तो ऐसे पूरे वर्ल्ड में इंडियंस हैं 3 करोड़, 3 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, 3 करोड़ थोड़ा आगे पीछे। तो ये जो इतने सारे इंडियंस बाहर है, ये ज्यादातर फॉरेन करेंसी में और ज्यादातर उसमें डेवलप्ड कंट्रीज में है ना, कौन इंडियन जाके नाइजीरिया में सेटल होगा, वैसे वहां भी है इंडियंस है ना, एक इंपोवरिश्ड कंट्री में जाके कोई क्यों सेटल होगा, बाहर कोई क्यों जाता है, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए ना। तो ज्यादातर जो इंडियंस है वो अच्छी कंट्रीज में सेटल्ड है, और वहां वो फिर डॉलर्स, पाउंड, यूरोज में कमाते हैं, तो क्यों ना वो जो उनकी कमाई है उसको इंडिया में चैनलाइज किया जाए। तो फिर उसके लिए कई सारी स्कीम्स उन्होंने शुरू की थी, NRIs के लिए, PIOs, इनको PIO बोलो, पीपल ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओके, तो ऐसे जो रहते हैं PIOs, और इनके लिए तो कई सारे बॉन्ड्स की स्कीम्स, इनको बैंक्स में अकाउंट खोलने में आसानी होगी, कुछ इनको इन्वेस्टमेंट्स करनी होगी, उसके लिए कई सारे रूट्स ओपन किए ताकि ये पैसे इंडिया में आए और इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उससे बढ़ेगा। ठीक है, देन इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड फोरा,
देयर स्ट्रक्चर्स मैंडेट। ठीक है, तो ये जो ये है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसमें कौन कौन उसमें क्या आएगा? यूएन हो, जैसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनए पे ही कई सारे बॉडीज है। देन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इनके हेडक्वार्टर्स का, इनका स्ट्रक्चर क्या है, यूएनओ का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, उसकी एक जनरल असेंबली होती है, उसकी सिक्योरिटी काउंसिल होती है, उसमें परमानेंट मेंबर्स होते हैं, कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और ऐसे उसके कई सारे मतलब और विंग्स और ये सारी चीजें, तो उसके बारे में तुमको जाना।